नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो चंडीगढ़ एफएम पर मैं हूं पल्लवी जसल और आप सुन रहे हैं लिव लाइफ मोर शो। इसी शो के जरिए दोस्तों आपसे मुलाकात होती है हमारी हर गुरुवार सुबह 10:05 पर, और ये शो आप तक लाया जाता है फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के सहयोग से। दोस्तों हमेशा से हम आपको किसी न किसी विषय के बारे में जानकारी देते हैं जिसका सीधा संबंध आपके स्वास्थ्य से है। समय समय पर हम आपको विभिन्न प्रकार के कैंसर्स के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे कैंसर के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं जो हमारे देश में बहुत कॉमन है, और ये एक ऐसा कैंसर है जिसकी स्क्रीनिंग की सुविधाएं ना होने की वजह से जब इसका पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे लंग कैंसर के बारे में और आपको जानकारी देंगे कुछ ऐसी नई तकनीकों के बारे में जो लंग कैंसर के इलाज में एक लैंडमार्क साबित हो रही हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमने अपने शो में आमंत्रित किया है एक ऐसे विशेषज्ञ को जो कि कैंसर सर्जन तो हैं ही लेकिन स्पेशलाइज करते हैं लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में। तो आइए दोस्तों मिलकर हम स्वागत करें डॉक्टर विजय जागर का जो हमारे क्षेत्र के जाने माने कैंसर सर्जन हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम डॉक्टर विजय जगड़, कंसल्टेंट कैंसर सर्जन। मैं आज बात करने वाला हूँ लंग कैंसर के बारे में। लंग कैंसर यानी फेफड़ों का कैंसर, ये काफ़ी खतरनाक है क्योंकि हमेशा ये लेट स्टेज में यानी कि काफ़ी एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होता है। जब हमें पता चलता है किसी को लंग कैंसर, वो काफ़ी फैला हुआ होता है, या तो फेफड़ों से बाहर आके वो ब्रेन में गया होता है, लिवर में गया होता है, हड्डी में गया होता है, जहां हम कुछ कर नहीं सकते। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कैंसर को सही समय पर पकड़ लिया जाए तो उसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आज के प्रोग्राम में मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप लंग कैंसर के बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं कि इसके क्या कारण होते हैं, क्यों होता है और ये कैसे फैलता है, ये मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताएं। फेफड़ों का कैंसर के कारण है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग यानी कि हम धूम्रपान जो करते हैं उसके कारण लंग के कैंसर हो सकते हैं। लंग के कैंसर इनिशियली से स्टार्ट होने से फेफड़ों के किसी एक जगह पे होता है, पर ये इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि वो वहाँ से हमारे छाती के कुछ गिल्टियों में आ सकता है, उस गिल्टियों से आके वो लिवर में जा सकता है, उससे उसके बाद वो ब्रेन में आ सकता है और हड्डियों में फैल सकता है। लंग कैंसर यानी कि फेफड़ों का कैंसर अगर जल्दी पता करना है तो उसके लिए स्क्रीनिंग किया जाता है। स्क्रीनिंग एक ऐसी टेस्ट है जो किसी को सिम्टम यानी किसी को कोई तकलीफ ना हो उनमें ये टेस्ट की जाती है कि उनको कैंसर है कि नहीं। अगर आप किसी दोस्त या कोई आप रिलेटिव उनके स्मोकिंग कर रहे हो या धूम्रपान कर रहे हो कम से कम 30 साल से और कम से कम 30 सिगरेट पी रहे हैं तो उन्हें लो डोज सीटी स्कैन से स्क्रीनिंग करना चाहिए। इससे पता चल जाता है कि उनके कोई फेफड़ों में कोई गिल्टी या कोई कैंसर के कोई लक्षण है कि नहीं। और ये स्क्रीनिंग जनरली उन लोगों में करना चाहिए जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, कहीं साल से कर रहे हैं या कहीं साल से पी रहे थे पर अब छोड़ दी हैं, उन्होंने भी ये स्क्रीनिंग करनी चाहिए। एज ग्रुप देखा गया तो 55-75 में ये काफ़ी कॉमन देखा जाता है लंग कैंसर। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें लंग कैंसर के ट्रीटमेंट की तो मैं चाहूँगी कि क्योंकि आप स्पेशलाइज करते हैं इस फील्ड में, आप हमें बताएं कि लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या नए एडवांसमेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से पेशेंट्स ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं और एक नियर नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। फेफड़ों का कैंसर पहले भी पता चल जाता था और पहले भी ऑपरेशन उसके किए जाते थे, पर पहले हम पूरा थोरैक्स एंड थोरैकोटॉमी खोल के यानी कि हम पूरी हमें छाती खोल के ऑपरेट करते थे क्योंकि ये छाती के अंदर होते हैं फेफड़े हमारे, तो उसको पूरा खोलना पड़ता था, पसलियों को तोड़ना पड़ता था और फिर अंदर जाना पड़ता था। इसके कारण बहुत ज़्यादा दर्द होता था। पेशेंट जो ऑपरेशन के बाद बहुत दर्द से चिल्लाते रहते थे, कोई कोई लोग तो उसको उस दर्द के कारण मर जाते थे या फिर उनके कोई इन्फेक्शन हो जाता था। तो उस कारण देखा जाया था कि इसके रिजल्ट जो हैं ऑपरेशन के बहुत ख़राब थे और कहीं लोग उससे मर जाते थे। इसके कारण बाकी ट्रीटमेंट्स हम ट्राई करते थे सर्जरी छोड़ के, पर एक नई तकनीक आई है जिसको वैट्स बोलते हैं, वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी। ये सर्जरी वैट्स यानी कि वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी, इस टेक्निक से हम लंग कैंसर ऑपरेट करते हैं जो इस क्षेत्र में अब उपलब्ध है। सारे रोग दूर भगाए, सेवा करें।
आज के लिव लाइफ मोर शो में हमारे साथ हैं हमारे क्षेत्र के वेल नोन कैंसर सर्जन डॉक्टर विजय जकर और आज हम बात कर रहे हैं लंग कैंसर के बारे में। डॉक्टर साहब, आपने हमें बताया कि लंग कैंसर को कैसे ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब आपने जिक्र किया वीडियो असिस्टेड थोरेकोस्कोपिक सर्जरी जिसे वैट्स कहा जाता है उसके बारे में। तो डॉक्टर साहब, जब भी कोई नई तकनीक आती है हम कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम के जरिए हम अपने श्रोताओं को उसके बारे में बताएं। तो आज आप हमारे साथ हैं तो हम चाहेंगे कि इस एडवांस्ड सर्जरी के बारे में आप हमें बताएं कि किस तरह से लंग कैंसर के पेशेंट्स के लिए एक आशा की किरण आई है इस सर्जरी की वजह से। सो फेफड़ों का कैंसर जो है वो वैट्स अब टेक्निक से ऑपरेट किया जाता है। जैसे हम देखते हैं अपनी पित्त की कोई थैली, पित्त की थैली के में पथरियाँ होती हैं, उसको लैप्रोस्कोपी या की होल से करते हैं, इसी तरह वैट्स भी एक लैप्रोस्कोपी यानी कि थोरैकोस्कोपी यानी की होल सर्जरी से हम ऑपरेट करते हैं। इसमें बहुत ही छोटे छोटे इंसिजन हम छाती में लेते हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर इंसिजन से, उसमें हम कैमरे डालते हैं, हम हमारे औजार डालते हैं और लंग की सर्जरी करते हैं। इंसिजन की साइज देखा जाए तो 1.5 से 1 सेंटीमीटर का होता है, जो पसलियों के बीच में होता है। पसलियों को इससे कोई हानि नहीं होती, लंग को कोई हानि नहीं होती इससे, और इसी तरह से पूरी हम डिसेक्शन और पूरी सर्जरी करते हैं। तो वैट्स टेक्निक के काफ़ी एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले एक तो छोटा इंसिजन होता है तो पेशेंट को बहुत कम पेन होता है, उसे दर्द ऑलमोस्ट बिल्कुल होता ही नहीं है, पेशेंट खुश होता है ऑपरेशन के बाद। हम जब बोलते हैं उसको लंबी लंबी सांस लें, क्योंकि ऑपरेशन के बाद लंबी सांस लें ज़रूरी है, नहीं तो फिर लंग के कॉम्प्लिकेशन के फेफड़ों में पानी बन सकता है, उसमें इन्फेक्शन होकर निमोनिया हो सकता है। तो ये जो हम देखा जाए तो वैट्स के बाद पेशेंट आराम से लंबी सांस ले सकते हैं, उनके जो इन्फेक्शन के उनके जो पानी होने की या फिर निमोनिया होने के चांसेस काफ़ी घट हो जाते हैं। सेकंड देखा गया है, वैट्स जो सर्जरी है वो अपनी इम्यूनिटी को कायम रखती है, हमारी इम्यूनिटी डाउन नहीं होती इसके कारण। लंग कैंसर है, फेफड़ों का कैंसर देखा गया है कि इट इज़ वेरी वेरी एग्रेसिव, ये बहुत ही खतरनाक टाइप ऑफ है और जल्दी जल्दी फैलता है, इसलिए अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो ये फैलने में रोक देगी। हमें देखा जाए कि वैट्स इम्यूनिटी को प्रिजर्व रखता है और उसको रोग प्रतिशक्ता वो बढ़ाए रखता है। हम अगर हमारे कैंसर को फाइट करना है तो इम्यूनिटी इज़ वेरी वेरी इसेंशियल, और ये वैट्स हमें हेल्प करता है लंग कैंसर को फाइट करने के लिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने हमें बताया कि जो ये सर्जरी है वैट्स, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो डॉक्टर साहब क्या पेशेंट को इस सर्जरी के बाद कुछ और भी ट्रीटमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ सकती है? कोई भी प्रकार का कैंसर हो उसे यूजुअली ट्राई मोडालिटी थेरेपी हम बोलते हैं, जिससे हम ट्रीट करते हैं। सबसे पहले सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। फेफड़ों का जो कैंसर है टोटल 4 स्टेज में होता है। स्टेज 1 में तो सिर्फ सर्जरी लगती है, उसमें आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं लगती, पर स्टेज 2 और स्टेज 3 में ऑपरेशन के बाद भी ट्रीटमेंट लगती है, जैसे कीमोथेरेपी जो हम दवाइयाँ देती अपनी वेन में, या रेडिएशन जो हम सेक से बोलते ट्रीटमेंट करना है वो ज़रूरी होता है ऑपरेशन के बाद। वैट्स का एक फ़ायदा है कि पेशेंट जल्दी रिकवर हो जाता है, वो 5वें दिन घर चला जाता है, उसकी रिकवरी अच्छी होने के बाद जो ऑपरेशन के बाद जो ट्रीटमेंट लगनी है या कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी वो जल्दी ले सकता है उसे। डॉक्टर साहब, जब पहले सर्जरीज हुआ करती थी बड़े चीरे से, बड़ा ऑपरेशन माना जाता था, उसके बाद आई मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी जिसे लेप्रोस्कोपी कहते हैं, और अभी आपने हमें बताया वैट्स सर्जरी के बारे में जो कि लंग कैंसर के पेशेंट्स के लिए एक नई तरह की जो इजाद हुई है साइंस में। तो डॉक्टर साहब, इस तरह से जब हम किसी से बात करें सर्जरी इस तरह की नई तकनीक है, तो आम तौर पर जहन में यह सवाल आता ही है कि क्या यह सर्जरी बहुत महंगी तो नहीं, क्योंकि पेशेंट के फैमिली के ऊपर काफ़ी इकोनॉमिक बर्डन तो होता ही है, फाइनेंशियल ड्रेनिंग होती है, इमोशनल सोशल ट्रॉमा भी होता है अगर किसी को पता चले कि लंग कैंसर है। तो डॉक्टर साहब, इसके कॉस्ट फैक्टर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा जाया था कि पहले फेफड़ों के जो कैंसर हैं वो पूरा छाती खोल के उसमें पसलियाँ तोड़ के ऑपरेशन किया जाता था, तो उसके कारण पेशेंट आईसीयू में काफ़ी लंबे टाइम तक रहता था। देखा जाता था कि 5 से 6 दिन वो आईसीयू में रहता था और 5 से 6 दिन वार्ड में रहता था, तो टोटल ड्यूरेशन जो उनका स्टे का होता था ऑपरेशन के बाद वो 10 से 12 दिन का होता है। यही हम अगर वैट्स में देखें, जो मिनिमली इन्वेसिव या की होल सर्जरी या लेज़र सर्जरी जो बोलते हैं, इसके कारण पेशेंट रहता है हार्डली सिर्फ 4 या 5 दिन के लिए, तो टोटल कॉस्ट ऑफ सर्जरी वो कम हो जाती है। बट इसमें हम स्पेशल औजार यूज़ करते हैं, स्टेपलर्स यूज़ करते हैं और वीडियो कैमरा यूज़ करते हैं, इसलिए हम देखा जाए कि थोरैकोस्कोपी से कंपेयर करके यानी कि पहले की सर्जरी से अगर कंपेयर करें हम, पूरा बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, पर इसके एडवांटेज देखे जाए और पेशेंट की सेटिस्फैक्शन देखा जाए तो सबसे बेस्ट है ये सर्जरी। डॉक्टर साहब, हम वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बात कर रहे हैं,
ये आपने हमें बताया कि लंग कैंसर के पेशेंट्स का इलाज करने में ये काफ़ी बेनिफिशियल है, तो डॉक्टर साहब क्या इसके साथ कोई और भी प्रॉब्लम्स जो कि हमारे फेफड़ों से जुड़ी हैं, लंग से जुड़ी हैं, उनका इलाज किया जा सकता है? तो वैट्स टेक्निक जो है ना ही सिर्फ ये लंग कैंसर के लिए बट और कहीं लंग पैथोलॉजी में भी यूज़ होता है। तो दूसरा देखा गया है कि एम्पायमा थोरासिस मीन जिसको कोई टीबी हो गया है और अंदर छाती के अंदर पस बन गई है, हम काफ़ी दवाइयां देते रहे पर वो पस निकलती ही नहीं, पेशेंट खांसते रहता है, बीमार पड़ते रहता है और वीक होते रहता है। और जब हम देखते हैं कि उनको हम भेजते हैं थोराकोटॉमी के लिए यानी पूरी छाती खोल के पस निकालने के लिए, तो और वो उनकी हालत ख़राब हो जाती है। तो वैट्स एक अच्छा काम करता है कि ये दूरबीन से और उसके औजार यूज़ करके पूरी ये जो पस है पूरा निकाल सकता है ये। तो टीबी के पेशेंट जो काफ़ी ग्रस्त है पस से या कई खराब लंग्स से, तो उसमें भी हम वैट्स यूज़ कर सकते हैं। हमने काफ़ी देखे गए कि जो सिगरेट पीते रहते हैं उनको एम्फाइसीमा या बहुत बड़े बड़े बुले हो जाते हैं, छाती में हवा बन जाती है, तो वैट्स इस बुले को या खराब हुई वायु कोशिकाओं को भी वो काट के निकाल सकती हैं, तो अच्छा जो लंग हमारा बचा है उसके लिए एक्सपैंड हो सके। दूसरा देखा है लंग रिडक्शन सर्जरी। हमने देखा कि हमारे चेस्ट में राइट और लेफ्ट दो लंग होते हैं, उसमें लोब्स भी होते हैं, तो कभी कभी देखा जाए कि हमारे सिगरेट स्मोकिंग से या कोई इन्फेक्शन से एक लोब खराब हो गया है और दूसरा लोब अच्छा है। वो खराब हमारा जो लोब है वो दूसरे अच्छे लोब को दबाते रहता है, तो हम वैट से ये काम कर सकते हैं कि वो खराब लोब को हम मिनिमली इन्वेसिव यानी कि की होल सर्जरी से निकाल सकते हैं, जिसको हम लंग रिडक्शन सर्जरी बोलते हैं। हमने देखा है कि हमारे दो फेफड़ों के बीच में जो थाइमस ग्लैंड होता है उसकी सर्जरी भी हम मिनिमली इन्वेसिव वैट से की जा सकती है। पहले हम पूरी हम छाती खोल के जैसे बाईपास सर्जरी जितना इंसिजन होता था, पर अब वैट से ये पूरी तरह से हम अच्छी तरह निकाल सकते हैं उसको। दोस्तों आज के लिव लाइफ मोर शो में हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर विजय जाकर जो एक वेल नोन कैंसर सर्जन है, उन्होंने हमें बताया वीडियो असिस्टेड थोराकोस्कोपिक सर्जरी के बारे में, जो कि लंग कैंसर के ट्रीटमेंट में एक नई तकनीक है। डॉक्टर साहब हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी और आपने हमें ये भी बताया कि कैसे स्मोकिंग किसी के फेफड़ों को नुकसान कर सकती है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी जानकारी के लिए। थैंक यू टू लिव लाइफ मोर शो एंड ऑल्सो टू ऑल द ऑडियंस लिसनिंग टू मी। थैंक यू तहे दिल से। दोस्तों अगर आज के विषय पर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8968850803। जी हाँ, 8968850803। इस प्रोग्राम को ऑनलाइन सुनने के लिए लॉग इन कीजिए livelifemore.com या facebook.com/livelifemoreofficial पर। सो फ्रेंड्स, दिस इज पल्लवी जसल नाउ साइनिंग ऑफ एंड टिल वी मीट अगेन, स्टे ब्लेस्ड एंड लिव लाइफ मोर। दिस प्रोग्राम इज कॉन्सेप्चुलाइज्ड बाय डॉक्टर संदीप जसल।